क्या है ये सब? क्या हुआ माँ? कौन है ये तानिया जिसे तू प्यार करता है? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं किसी तानिया को नहीं जानता। प्रथम तू कहना क्या चाहता है? जिस लड़की को तू जानता तक नहीं उसने तुम्हें लेटर भेज दिया? मैं सच कह रहा हूँ चाची, माँ प्लीज मेरा यकीन करो, मैं किसी तानिया को नहीं जानता। प्रथम दिस इज टू मच, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी तुम। चाची मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ये सब? माँ मेरा विश्वास करो। माँ बेटा हम तुझसे विश्वास करते हैं, तभी तेरे अच्छे बुरे काम में तेरा साथ भी देते हैं। देख बेटा तेरी शादी हो चुकी है, इस तरह से लड़कियों का चक्कर ठीक नहीं है। तंग आ चुकी हूँ तेरी रोज के परेशानियों से, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन माँ इस बार गलती मेरी नहीं। कैसे मान लूँ तेरी कोई गलती नहीं है, कैसे विश्वास रखूँ? ये चिट्ठी हमारे सामने है। प्रथम तुमने ये अच्छा नहीं किया, कम से कम गौरी के बारे में सोचना चाहिए था। पत्नी है वो तुम्हारी, रो रो के क्या हालत हुई होगी उसकी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माँ। तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, उसे जाके बात कर, जा। माँ मैं बस जा, माफी मांगू उससे। मगर चाचू जब बुरा काम करने में शर्म नहीं तो मैं माफी मांगनी होती। बंद करो ये रोने धोने का नाटक, तुम तो ऐसे बिहेव करती हो जैसे बहुत प्यार करती हो मुझसे और उस लेटर ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया हो। प्यार तो मैं बहुत करती हूँ प्रथम, मगर तुमसे नहीं अपनी नफरत से। और रही बात इन आंसुओं की तो ये खुशी के आंसू है, खुशी इस बात की कि तुमने मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़े किए और मैंने एक झूठी चिट्ठी भेजकर तुम्हें कैरेक्टरलेस बना दिया। मुझे पहले से ही शक था कि हरकत तुम्हारी है। ये सब तो मैंने तुम्ही से सीखा है, अब तुम्हारे घर वालों की नजरों में तुम्हारी इमेज तो कुछ और ही हो जाएगी। किसी धोखे में मत रहना, वो मेरे घर वाले मुझे अच्छी तरह से समझते हैं, उनका मुझ पर से विश्वास तुम्हारी एक झूठी चिट्ठी नहीं तोड़ सकती, समझी? एक नहीं ना सही प्रथम, मगर अगर बार बार ऐसी चिट्ठियां आती रहे तो, और अगर किसी एक चिट्ठी में ये लिखा हो कि तानिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तब। जाने कब अगली चिट्ठी आ जाए। एक और बात, अगर आसमान की तरफ थूकोगे तो आसमान को कुछ नहीं होगा, उल्टा, समझ गए ना? हाय रिया। हाय रिया। हाय यार, फाइनल फेयर में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ काम दो ना प्लीज। अब तू क्या काम करेगी, सब तो काम हो चुका है, अब तो बस वॉलंटियर का काम ही बाकी है। एक काम कर, तू वॉलंटियर बन जा। ठीक है, मुझे वॉलंटियर बना दो। ओके ठीक है। ओके बाय, सी यू। रिया तुमने उसे वॉलंटियर क्यों बना दिया? क्यों, इसमें क्या हर्ज है? अगर वो फन एंड फेयर ठीक से हैंडल नहीं कर पाई तो इसके लिए यश और हितेन ही काफी। नाम मत ले उनका मेरे सामने, इडियट कहीं के। क्यों, क्या खराबी उन दोनों में? ये पूछ के क्या खराबी नहीं है, तुझे नहीं मालूम वो कैसे कुत्ते की तरह दूम हिलाते हुए लड़की के पीछे पड़े रहते हैं? सॉरी लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, वही लड़कों को हिंट देती है तभी लड़के उनके पीछे पड़ते हैं। ओके मेरा बस चले ना तो मैं तो उनको मार दूं। थप्पड़ तो मार चुकी है। इफ यू डोंट माइंड रिया, मुझे एक बात बता, तूने किस हक से उसे कल थप्पड़ मारा था? अगर वो तुझे सबके सामने वापस थप्पड़ मार देता तो देख, वो लोग बहुत अच्छे घर के हैं, ओके, और इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होते। और हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? कॉलेज में मजाक मस्ती नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? एनीवेज कॉलेज में ये सब बातें तो होती रहती है ना। चल लेट्स पैक अप। बैठे रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस दिन जो
मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था वो थप्पड़ नहीं था, वो एक सबक था मेरे लिए, एक ऐसा सबक जिसने जिसने मुझे सही रास्ता दिखा था। मतलब? उस थप्पड़ ने मेरे जमीर को जगा दिया। आज से पहले तक मैं अपने घर से झूठ बोल बोल के पैसे मंगाया करता था और उन पैसों से यहाँ, मगर अब मैं कॉलेज में सिर्फ वही किया करता हूँ जो करने में आया हूँ, पढ़ाई। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास कर रहे हैं। अरे सुनो, एक्चुअली आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? मुझे तुम्हें इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ठीक कह रही हैं आप, आपको उस दिन मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था बल्कि जूतों से मारना चाहिए था मुझे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गलती मेरी है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी? नहीं यश, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें इस तरह थप्पड़ मारूं। बिल्कुल हक बनता है आपका, अगर कोई इंसान गलती करेगा तो कोई समझाने वाला तो चाहिए ना उसको। यश, आई सेड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। शर्त जीता, शर्त जीत गया, जीत गया, शर्त जीत गया, शर्त जीत गया, शर्त जीत गया। इसने सबके सामने सॉरी कह दिया, शर्त 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 जीत गया। मतलब ये कि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मैंने सबके सामने तुमसे सॉरी बुलवाया, मैंने शर्त लगाई थी, मैं शर्त जीत गया। अरे 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 अरे, प्लीज देखो देखो देखो, हिसाब बराबर हो गया। दो साल तक हम लोगों इस कॉलेज में तो क्यों ना दोस्त बनकर रहे। मैं बहुत बुरा लड़का नहीं हूं, प्लीज प्लीज कैन वी बी फ्रेंड्स? आप पोस्टमैन भैया? अरे कभी कभार हमारे घर से भी चिट्ठी पत्री ले आया करो। अरे लाएंगे लाएंगे, न जाने कब अगली चिट्ठी आ जाए। और अगर किसी एक चिट्ठी में ये लिखा हो कि तानिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तब क्या? रघु ये चिट्ठी आई है, तुम जाके अपना काम करो। जी ला लो चिट्ठी। जी सर, जा रहे। एक मिनट, 500 रुपए बख्शी है तुम्हारी। ध्यान से सुनो, इस हफ्ते इस घर में जितनी भी चिट्ठियां आएंगी ना, सब मेरे ही हाथ में ला के देना, और किसी के नहीं, समझे? जरूर जरूर। ना बड़ा नोट। के भाव तो आसमान छूने लगे हैं। अरे वाह प्रथम, आज तू घर कैसे, ऑफिस नहीं गया? हाँ माँ, वो एक्चुअली ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है आज, इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। अच्छा अच्छा, गौरी ड्राइवर के हाथों सब्जियां अंदर भेज दी। सुनो, तानिया की चिट्ठी आई है क्या? इसका मतलब नहीं है अब कोई चिट्ठी आएगी भी नहीं। हाँ एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल, आजकल लोग अपनी चिट्ठियाँ डाक से नहीं कुरियर से भेजते। एनीवेज अगर तानिया का कोई कुरियर आया तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, ठीक है? अच्छा, कल मेरी मीटिंग अपने बैंकर से, और मीटिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यही सही वक्त है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपांड आवर बिजनेस। और दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारा इस साल का प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल है। कांग्रेचुलेशंस टू यू। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैं जानता हूं आप लोग अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे नए प्लान की जिम्मेदारी जो है वो मिस्टर सिंघानिया के साथ शेयर करें। आप लोगों का क्या ख्याल है? बाबूजी, बिजनेस का एक्सपांशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मिस्टर सिंघानिया को देना, आप सब तो जानते ही हैं कि मिस्टर सिंघानिया इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, और अगर हम लोग उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? और फिर उन्हें लेकर मार्केट में ये बात कही जा रही है कि उन्होंने खुद अपने गोडाउन में। सॉरी भैया, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई भैया। समय नहीं, समय सही कह रहा है, इल्जाम साबित होने से पहले हम किसी को दोषी नहीं समझ सकते। सो आई हैव डिसाइडेड नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हम मिस्टर सिंघानिया को सौंप देंगे। मैं कल ही मिस्टर सिंघानिया को मिलता हूँ। अजय, फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर सिंघानिया फॉर टुमारो, राइट? थैंक यू। बाबूजी, वो
हाँ हाँ मैं जानता हूँ प्रथम, तुम क्या पूछ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जो बात सब लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं? मैं जानता हूँ प्रथम, मिस्टर सिंघानिया बैंक्रप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। ऑन द कॉर्नरी मार्केट में यह बात चल रही है कि मिस्टर सिंघानिया बैंक्रप्ट नहीं है बल्कि मित्तल परिवार की संधि बैंक्रप्ट। मेरे लिए बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात? जी बाबू। अरे प्रथम कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। अच्छा सुन, कल तुम्हें और गौरी को उसके घर डिनर के लिए जाना है। क्या? हाँ बेटा, उसकी माँ कई दिनों से कह रही थी हम सबको इनवाइट करें, लेकिन हम सबका जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो तू और गौरी कल शाम को चले जाना, ठीक है? नहीं माँ। क्यों? वो माँ मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम। अरे बेटा ऑफिस का काम कोई और संभाल लेगा, लेकिन यहाँ जाना जरूरी है, वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ कल शाम को तू और गौरी जा रहे हैं। Nice. आजकल तो नाश्ते से ही पेट भर जाता है, लंच की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहब ये किसी कुरियर कंपनी से आए, एक लेटर लेके आए, कह रहे हैं कि जिसके नाम है उसी को दूंगा। किसके नाम से है कुरियर? प्रथम मित्तल कौन है? अरे बेटा तू बैठ, मैं देख कर। नहीं नहीं चाचू मैं देख। थैंक यू सर। अरे बेटा देख तो ले, शायद हो सकता है बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट हो। क्या हुआ, तुम्हारा पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है? जी आई एम फाइन। क्या बात है प्रथम? माँ ये तो ब्लैंक है। खाली कागज किसने भेजा होगा? जरूर इसके दोस्तों ने शरारत की होगी, और हम लोग भी बचपन में ऐसे नहीं करते थे, अपने फ्रेंड्स को सताने के लिए कभी खाली गिफ्ट का डिब्बा भेज देते थे, कभी खाली कागज। चलो अरे प्रथम बैठो ना, तुम खाओ आप गौरी एक पूरी और दूसरा। हाँ, खाओ। डर गए? झटक, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए एसी फुल है और तुम्हें पसीना आ रहा है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। एक ब्लैंक पेपर आया तो तुम्हारी ये हालत हो गई, सोचो अगर असली चिट्ठी आ जाए तो। देखो गरीब पसीना पूछ लो, बहादुरों के चेहरे पर पसीना अच्छा नहीं दिखता। किसी में तो टिकट अवेलेबल होगी। जी हाँ प्लीज ट्राई कीजिए। या थैंक्स, थैंक यू। या बहुत जल्दी चाह लेंगे तुम? जी हाँ जनाब, हमारे घर में क्विक सर्विस होती है। थैंक्स, बैठो ना। वैसे ये तुम्हारा दिल्ली जाने का प्लान अचानक क्यों बन गया? कोई सीरियस बात हुई है क्या? बस कुछ ऐसे ही समझ लो नंदिनी, मेरा एक खास दोस्त है, उसका डिवोर्स हुआ है। मैं दिल्ली जाकर उसे समझाना चाहता हूँ नंदिनी कि वो ये डिवोर्स न ले, क्योंकि क्योंकि उसका छोटा बच्चा है। अगर वो अपनी वाइफ से अलग होता है तो इस बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? मानव ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दोस्त की पत्नी तुम्हारे दोस्त से खुश ना हो। वेल ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो देखो नंदिनी, मैं अपने दोस्त की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, गलती कहीं ना कहीं दोनों की। लेकिन फिर भी जब शादी करके एक साथ रहने का कमिटमेंट किया है तो इतनी आसानी से वो ये कमिटमेंट तोड़ कैसे सकते हैं? क्यों नहीं तोड़ सकते हैं वो? मानव डाइवोर्स होने के हजार रीजन होते हैं। हो सकता है कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई हो सकता है कि शादी करने का फैसला उनका अपना ना हो, और ये भी हो सकता है कि डाइवोर्स के बाद उन दोनों बहुत खुश रहे। तुम बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे ऐसे कैसे कह सकते हो?
मैं तो बस मानव चीजों को दूर से देखने में और उन्हें महसूस करने में बहुत फर्क होता है। अरे प्रथम बेटे, तुमने खाना ठीक से खाया या नहीं? ठीक से नहीं मम्मी जी, बल्कि रोज से डबल खाया मैंने आज। रियली द फूड वॉज वेरी टेस्टी। बेटे थोड़ी आइसक्रीम चलेगी? नहीं पापा, थोड़ी देर के बाद। जीजू, आप यूएस की यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कह रहे थे ना? देखो प्रीति, यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटी है। मेरा सोचना जरा अलग है प्रीति। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो जिंदगी में भी हमेशा फर्स्ट ही रहे। आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आई फॉलो योर एडवाइस। डोंट फॉलो एनीबडी। तुम चीजों को खुद एक्सपीरियंस करो, समझो और उसके बाद डिसीजन लेना। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, अब मुझे एक पार्टी में जाना है। कौन सी पार्टी में प्रीति? दीदी, इस साल हमारे कॉलेज और आईएफएस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि जिस कॉलेज के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उस कॉलेज को दूसरी कॉलेज की तरफ से एक पार्टी दी जाएगी। एंड वी गोना सेलिब्रेट आवर विक्ट्री टुडे। तो पापा मैं जाऊं? मगर इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है प्रीति, और वैसे भी आईएफएस कॉलेज के स्टूडेंट्स की इमेज बहुत अच्छी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब बेकार की बातें हैं प्रीति। आईएफएस कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं, ऑल आर डिसेंट गाइस। पापा प्रीति कैन गो। अब बेटे तुम कहते हो तो जाने देता हूँ, लेकिन समय से आ जाना। थैंक यू पापा, थैंक यू जीजू। जीजू आप मेरी तरफ से एक आइसक्रीम जरूर खा के जाइएगा। देखा, तुम्हारे घर में तुमसे ज्यादा मेरी चलती है। तुम्हारी इसलिए चलती है क्योंकि तुम यहाँ मेहमान हो, और मेहमानों को इज्जत देना मेरे घर वाले अच्छी तरह जानते हैं। हेलो। हेलो, हाँ प्रथम, यश बोल रहा हूँ। हाँ बोल यार। तू तो बिल्कुल छठी का दूध हो गया है। अबे छठी का दूध नहीं, चौदहवीं का चांद। हाँ वही, चौदहवीं का चांद हो गया यार। बहुत याद आ रही है तेरी। कहाँ हो तुम लोग? और कहाँ, वही अपने अड्डे पर, क्लब के बाहर। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अंदर चलो, मैं अभी पहुँचता हूँ। आ रहा है? अरे मैंने कहा ना, मैं अभी पहुँचता हूँ, मतलब पहुँचता हूँ, समझ लो के पहुँच गए बस। लव यू जान, हम तेरा वेट कर रहे हैं अंदर। ओके बाय। आ रहा है? अरे वाह। ये कहाँ जा रहे हो तुम? यश और नितिन से मिलने। प्रथम मुझे घर जाना है। हाँ घर तो मुझे भी जाना है। मुझे यहाँ से सीधे घर जाना है। नहीं, पहले मैं यश और नितिन से मिलूंगा, फिर घर जाएंगे। I don't want to go anywhere else, okay? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें कहीं ले जाने का। वो तो हम दोनों का घर साथ साथ लौटना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ। वरना अब तक तो तुम्हें किसी टैक्सी या ऑटो में बिठा के अकेला रवाना कर दिया होता। पता आ गया है रास्ते। अरे ये डीजे, हाँ हाँ आए हाँ। सुन ये डीजे रॉकी जी था लास्ट टाइम, कमाल का बजाता है। जाएंगे ना दूसरे क्लब में? क्या दूसरे क्लब में? तू आज इतनी जल्दी जा रहा है यार? यार देख, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल जरूर बैठेंगे साथ में, मजबूरी है यार। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं, आऊंगा पक्का। विल वेट फॉर यू देन। चल बाय 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 बाय। मेरी गाड़ी कहाँ गई?